नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ षष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त के सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर उपचुनाव का आज हो सकता है ऐलान। शिवराज सरकार के भविष्य का होगा फैसला। शिवराज कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। सरकार पटवारियों को करेगी तकनीक से लैस। गृह मंत्री अरुण मिश्रा ने दी जानकारी। भोपाल में पत्नी से मारपीट पर कसा शिकंजा। डीजी पुरुषोत्तम शर्मा को आज शासन को देना है जवाब। अब महिला आयोग ने भी दिया नोटिस। मुरैना जल आवर्धन परियोजना का भूमि पूजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया भूमि पूजन। विदिशा में शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर हड़ताल। हड़ताल पर बैठी मंडी कर्मचारी। इंदौर में बेकाबू कोरोना। 449 नए मरीज मिले, 7 लोगों की मौत। सितंबर के 28 दिनों में से 10,000 से ज्यादा संक्रमित। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुरैना जल आवर्धन परियोजना का भूमि पूजन किया और क्या कुछ कहा आपको दिखा देते हैं। ग्वालियर चंबल में मुरैना में इस समय विकास की गंगा बह रही है और शायद आज उन लोगों को मन में बड़ा संतोष होगा, चाहे वो रघुराज कंसाना जी हो, चाहे दंडौतिया जी हो, या ऐदल सिंह जी हो, कमलेश जी हो, जिन्होंने विकास न होने के कारण अपनी विधायकी के पदों से त्याग पत्र दिया था। मित्रों, आपने त्याग पत्र दिया विकास के लिए और हमने मुरैना का विकास करके उसको सार्थक सिद्ध किया। माननीय तोमर जी हमारे अद्भुत नेता है, सदैव विकास की दृष्टि उनकी रहती है और आप देख रहे हैं यहां मेरे सामने मुरैना चंबल का नेतृत्व बैठा है, हमारे अध्यक्ष जी बैठे। क्या कोई कल्पना कर सकता था कि एक सरकार वो थी जो कहती थी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और एक सरकार ये भारतीय जनता पार्टी की जो कोई कभी नहीं रहने दे रही। कल फ्लाईओवर, उसके पहले कलेक्ट्रेट का उद्घाटन, मुरैना प्रवास के समय हमने तय किया मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा। नगर निगम भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाया, नरेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि केवल नाम बदलेगा। विकास के कामों की लंबी सूची है। मुझे संतोष है मुख्यमंत्री के नाते कि जैसा विकास मुरैना का इस सरकार ने किया है कोई कल्पना नहीं कर सकता था, कांग्रेस तो सोच ही नहीं सकती थी कभी। और आज पीने का पानी, चंबल का पानी, मुरैना वालों क्या कुएं का और हैंडपंप का पानी पीना, बोरवेल के पानी की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। कई तरह की समस्या आती थी, कम बारिश हुई तो पानी नीचे चला जाता था, गर्मी में जल की आपूर्ति प्रभावित होती थी। अच्छा, मुरैना शहर तो लगातार बढ़ते ही जा रहा है, आबादी 3 लाख से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, नए नए क्षेत्र नगर निगम में जुड़ रहे थे लेकिन पानी का नेटवर्क नहीं था हमारा, और फिर भूमिगत जल में कई बार जलजनित बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं, नागरिकों के स्वास्थ्य का भी सवाल था। और फिर मुरैना अगर चंबल का पानी ना पिए तो इस सरकार का मतलब ही क्या है भाई।
और ये हर एक नागरिक की इच्छा थी। मुरैना में चंबल का पानी आए और आज जैसा माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ने बताया, चंबल नदी पर इंटेक बेल बनेगी, रॉ वाटर राइजिंग मैन 1500 एमएम ब्यास एमएस पाइप लाइन, 64 एमएलडी जल शोधन संयंत्र की स्थापना, क्लियर वाटर राइजिंग मैन 34 किलोमीटर से ज्यादा उच्च स्तरीय टंकियों का निर्माण, और शहर में ही जैसा तोमर जी बता रहे थे 506 किलोमीटर पाइपलाइन बिछेगी घर घर नल कनेक्शन देने के लिए, 506 किलोमीटर। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनकी जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया है, आपको सुनाते हैं। इसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। मध्य प्रदेश राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आज किया गया है, कैबिनेट ने मंजूरी दी। यहां मैं यह कहना प्रासंगिक समझता हूं कि भारत सरकार के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उसी समय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो संवैधानिक दर्जा केंद्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया है वही राज्य सरकार भी देगी। इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। यहां भी एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि पूर्व की सरकार ने कभी इतनी चिंता पिछड़े वर्ग की नहीं की। 27% आरक्षण का झंझना पकड़ाकर जो इस तरह से उनको छला गया, उस 15 माह की पूर्ति माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार पिछड़े वर्ग इस आयोग का दर्जा देने के बाद में, संवैधानिक दर्जा देने के बाद में, इसमें अधिकारियों को भी बुलाने का अधिकार इस आयोग को दिया गया। आज प्रदेश के अंदर जो महत्वपूर्ण कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव आया, काज कृषक कल्याण योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6000 रुपया किसान के खाते में डाली थी, उसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 4000 रुपया मिलाया और 10000 रुपया आप किसान के खाते में आया। छोटे से छोटा किसान जिसपे आधा बीघा भी है, 1 बीघा भी है, 5 बीघा है, 10 बीघा है, ये सब इसमें तिरोहित किए गए, सम्मिलित किए गए हैं। 77 लाख किसान थे, बढ़ के 80 लाख हुए, भले वे 85 लाख हो या जितने भी हो जाए, सभी को ये 10000 रुपया साल का लाभ मिलेगा। यहां मैं ये कहना प्रासंगिक समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 5000 करोड़ हर साल मिल रहा है और राज्य सरकार का लगभग 3000 करोड़ हो गया, ऐसे 8000 करोड़ रुपया प्रति साल किसानों के खाते में जाएगा। मतलब 5 साल के अंदर 8540000 करोड़ रुपया किसान के खाते में जाएगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत हिनौतिया पछाड़ से सलमाई वाया जसवंत नगर मार्ग, जिसकी लंबाई करीब 9 किलोमीटर है और प्रस्तावित लागत 870.94 लाख, मथनेर से जलालपुर वाया पौरखी मार्ग, जिसकी लंबाई 7 किलोमीटर और प्रस्तावित लागत करीब 450 लाख, परवाई से कुशवाहा चक वाया हिनौधा लंबाई 3 किलोमीटर प्रस्तावित लागत 259.39 लाख रुपए के निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसके निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कई गांव के लोगों को आवागमन की सुविधा होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा राजपुर में उक्त सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसका पूर्व विधायक भी मौजूदगी में शुभारंभ किया गया।
बनासा में लोकतंत्र बचाओ यात्रा को लेकर के संतों के साथ कंप्यूटर बाबा माधांता विधानसभा क्षेत्र के पुनासा पहुंचे, जहां सिगांची धाम दर्शन के उपरांत में मुंदी एवं पुनासा में चौपाल सभा को संबोधित किया। कंप्यूटर बाबा ने लोकतंत्र बचाओ यात्रा लेकर माधांता विधानसभा क्षेत्र के पुनासा पहुंचे, माता मंदिर में चौपाला कार्यक्रम करके जनता को संबोधित किया। वहीं कंप्यूटर बाबा ने माधांता के पूर्व विधायक नारायण पटेल को तंज कसते हुए कहा कि अगर वह वोट मांगने आए तो बोलना है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। कंप्यूटर बाबा का कांग्रेस के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। शिवराज जी जो कहते हैं वो करते हैं। मानदाता के धरती पर उन्होंने आकर 23 सितंबर को पुनासा को नगर परिषद बनाने की घोषणा की, मुंदी को तहसील बनाने की घोषणा की। इससे मानदाता क्षेत्र का एक एक मतदाता, यहाँ का रहने वाला एक एक किसान मजदूर, यहाँ की माता बहनें, सब में खुशी की लहर है और सबको ये विश्वास है कि शिवराज जी जो कहते हैं वो करते हैं। मध्य प्रदेश में जिन 25 गद्दारों ने जनता की चुनी हुई सरकार को, कमलनाथ सरकार को गिरा दिया, इसलिए हमारे लोकतंत्र की हत्या की, हमारे संविधान की हत्या की, इसीलिए संत समाज मैदान में आया है। ऐसे में आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी, क्या करेगी? ये कम सीट वाले, कम विधायक वाले सरकार बनाएंगे? पुनासा के नगर पंचायत की घोषणा के बाद कालसन माता मेला ग्राउंड में एक सभा रखी गई, जिसके बाद पुनासा की जनता को सांसद नंद कुमार सिंह और भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल द्वारा आभार व्यक्त किया गया। माधांता विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पुनासा को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की गई थी, वहां पर वो जमकर बरसे। सांसद ने कहा कि राहुल गांधी ने 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं, मगर उनके विधायकों ने सरकार ही बदल दी। कमलनाथ तो उद्योगपति हैं, अरबपति हैं, वह गरीब जनता को गरीब क्यों समझेंगे? वहीं सभा के दौरान माधांता उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल को जिताने का संकल्प दिलाया गया। शिवराज जी जो कहते हैं वो करते हैं। मानदाता के धरती पर उन्होंने आकर 23 सितंबर को पुनासा को नगर परिषद बनाने की घोषणा की, मुंदी को तहसील बनाने की घोषणा की, किल्लोद को तहसील बनाने की घोषणा की और पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना को माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन में कन्वर्ट करने 193 करोड़ रुपए भविष्य में दिए जाने की घोषणा यहां पर आकर की। इससे मानदाता क्षेत्र का एक एक मतदाता, यहां का रहने वाला एक एक किसान मजदूर, यहां की माता बहनें, सब में खुशी की लहर है। देश को डिजिटल और अत्याधुनिक करने की सोच से भले ही शासकीय और निजी प्रणाली को नवीन तकनीक से जोड़ने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत पंचायतों में कंप्यूटर सिस्टम शोपीस बन गए। ऐसा ही एक मामला जनपद पंचायत छिंदवाड़ा की ग्राम पंचायत कवरवाड़ी से सामने आया, जहां पर शासन के द्वारा कंप्यूटर सेट प्रिंटर की व्यवस्था करीब 2 साल पहले प्रदान की गई। इसके चलाने के लिए मनरेगा रोजगार सहायक की नियुक्ति की गई, लेकिन पंचायत सचिव और रोजगार सहायक पंचायत में रखे सिस्टम से काम न करके बाहरी ऑनलाइन दुकान से बैठकर काम करवाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सभी कंप्यूटर सेट टीवी पंचायत कार्यक्रमों के घर पर शोभा की सुपारी बनकर रह गए। इसी सच को जानने के लिए केन्यूज इंडिया टीम ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंची, जहाँ पर ग्रामीणों की शिकायत सही पाई गई। पंचायत में टीवी दीवार लगी होने के बजाय बॉक्स में रखी है, वहीं कंप्यूटर LCD पाई गई है, अन्य सभी सामान गायब दिखाई दिए। वह संबंधित मौजूद रोजगार सहायक से संबंधित मामले पर चर्चा की गई तो उन्होंने खराब बताकर अपनी बड़े मजे से अपनी सफाई दे दी। क्यों किए जाते?
क्योंकि यहाँ सिस्टम खराब पड़ा था, नेटवर्क नहीं था, तो आप लोग ठीक नहीं कर पाते। कितने साल हुए आपको? तो आपकी नियुक्ति तो उसी के लिए हुई है, हुई है कंप्यूटर चलाने के लिए, अनुभव प्रमाण पत्र लगा है, तो फिर आप लोग क्यों नहीं करते उसे? काम करते हैं ना, नहीं काम बोल रहे हैं। तो आप तो बोल रहे हैं कि बाहर ही ऑनलाइन दुकान से काम कराते हैं। ऑनलाइन बाहर दुकान से काम करते हैं, ये नहीं बोले कि बाहर से। क्यों करते हो बाहर से, जब अपने यहाँ पूरी सारी सुविधाएं हैं? तो सुविधाएं नहीं है ना, होती क्यों नहीं? क्या नहीं है यहाँ पे? कंप्यूटर बंद है, खराब है, तो उसे ठीक कराने की पैसा नहीं पंचायत में, वो मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर। इन दिनों आईपीएल में कटनी के बड़वारा थाना क्षेत्र के बसाड़ी और मझखावा में सट्टे का कारोबार जोरों शोरों से चल रहा है। सटोरियों ने बड़ी ही संख्या में इकट्ठा होकर मैच में पैसे लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को इस सट्टे के कारोबारियों की पूरी जानकारी है, फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। ये कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस के ही साय में सट्टे का कारोबार फल फूल रहा है। विदिशा के लटेरी में मंडी कर्मचारी 25 सितंबर से शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर के मंडी गेट पर हड़ताल पर बैठे। ऐसे में किसानों को फसल बेचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मंडी कर्मचारियों की मांग है कि हमें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। गौरतलब है कि इससे पहले भी मंडी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे थे। मध्य प्रदेश शासन के आश्वासन के बाद ये हड़ताल 15 दिन के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं एक बार फिर से मंडी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। मांगे हमारे हितों को लेके, कर्मचारी हितों को लेके हमारी मांगे थी। पूर्व में हमारी मांग थी कि हमारे मंडी बोर्ड में, मंडी के जो बाबू भरत जो हैं उनका मंडी बोर्ड में आवेदन किया जाए। इस संबंध में पूर्व में हमने हड़ताल की थी और हमारी 3 सूत्रीय मांगे थी, जिसमें से 2 मांगे हमारी कर दी है, 3री मुख्य मांग नहीं की गई है। उनने बोर्ड के एजेंडे से ही उस मांग को हटा दिया। पूर्व में उनके मुख्यमंत्री महोदय के आश्वासन के बाद हमने अपनी हड़ताल स्थगित की थी। 15 दिन का उन्होंने समय दिया था, हमने 18 दिन तक इंतजार किया। इसके बाद हम पुनः अपने हड़ताल पे अपनी मांग के समर्थन में सारे मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं। विदिशा जिले के सैकड़ों किसानों ने पूरे शहर में लगभग जाम जैसी स्थिति पैदा कर दी है। आपको बता दें, सैकड़ों किसान आज अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर गांव-गांव में से इकट्ठा होकर शहर के श्री रामलीला तिराहे से लेकर शहर के मुख्य बाजारों से नारेबाजी करते हुए निकले। और इसकी इंतहा तब हो गई जब फसल बीमा राशि को दिलवाने और नए कृषि अध्यादेश को प्रदेश में लागू न करवाने को लेकर आक्रोशित किसान कलेक्ट्रेट पहुँच चुके और कलेक्ट्रेट के सभागार में मौजूद कलेक्टर के कक्ष में जाकर इन्होंने अपनी मांगों को संदर्भ में ज्ञापन सौंपा है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम अक्सर फोन पर हालचाल पूछने के लिए कॉल करते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, कैसे हो? लेकिन इस बार हम सिर्फ बातों में टेक केयर नहीं कहेंगे, बातों से कुछ आगे बढ़ेंगे। इस बार टेक केयर तो कहेंगे, लेकिन डेंगू से बचने के लिए हम उन 10 लोगों से आग्रह करेंगे कि रविवार को अपने 10 मिनट निकालें 10 बजे, अपने घर और आसपास की चेकिंग करें कि कहीं गमले, कूलर या टंकी में साफ पानी इकट्ठा तो नहीं, अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या फिर उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। छोटी सी जिम्मेदारी उठाएं, 10 लोगों को फोन लगाएं, 10 हफ्ते, 10 बजे, 10 मिनट,
हर रविवार डेंगू पर वार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। फिर से आप सभी का स्वागत। माता वैष्णो देवी तीर्थ का प्रबंधन करने वाले श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने देश भर में भक्तों तक माता का प्रसाद पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी की व्यवस्था शुरू कर दी है। कोरोना संकट के बीच अब माता के भक्त घर बैठे माता का प्रसाद मंगा सकते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के दौर में जहां लोग माता वैष्णो देवी की यात्रा करने में असमर्थ हैं, वहीं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने लोगों के घरों तक माता का प्रसाद पहुंचाने की व्यवस्था की है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड डाक विभाग के साथ समझौता कर स्पीड पोस्ट के जरिए देश भर में कहीं भी माता वैष्णो देवी के प्रसाद की डिलीवरी करेगा। यात्रा के लिए पहुंचने वाले भक्तों के लिए हेलीकॉप्टर, बैटरी से चलने वाला रिक्शा, माता भवन और भैरव मंदिर के बीच रोपवे की सुविधा शुरू की गई है। यहां पर रोजाना 200 भक्तों के दर्शन करने की इजाजत है। ऐसे में माता का प्रसाद भक्तों तक घर पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक जानकारी और ऑर्डर के लिए www.maavaishnodevi.org पर जाना होगा, जहां पर घर बैठे माता वैष्णो देवी के प्रसाद को पाने के लिए बुकिंग होगी। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक 9906019475 पर भी ऑर्डर बुक होगा। बोर्ड ने प्रसाद की 3 श्रेणियों की शुरुआत की है, जिसमें 500, 1100 और 2100 रुपए का प्रसाद शामिल है। माता वैष्णो के पवित्र प्रसाद में माता का पटका, मौली, रक्षा सूत्र, खजाना, बाबा भैरवनाथ का रक्षा सूत्र, वैष्णो देवी का श्रोत संग्रह आदि शामिल होगा। ताकि भक्त हैं जो घर पे बैठे ही पूजा प्रसाद प्राप्त कर ले, तो इसके लिए जो बुकिंग जो है हमने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे होती है, इसमें 3 पैकेजेस है, 500, 1100, 2100। तो जो भी भक्त जन वो पूजा प्रसाद बुक करवाते हैं, जैसे ही बुक होते हैं तो उनके नाम के साथ माता के भवन में जाता है, उनके नाम की पूजा की जाती है, उसके पश्चात जो है माता का प्रसाद जो है वो पैक करके हम पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ में एक एग्रीमेंट हुआ है, तो विद इन 72 आवर्स हम उनको डिस्पैच कर लेते हैं, जिससे कि जितने भी माता के भक्त हैं घर में बैठे ही अपने नाम की पूजा करवा के प्रसाद प्राप्त कर सकें। जो श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए मंदिर आने में असमर्थ हैं, वे अब बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से पूजा का प्रसाद घर मंगाने की बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग हो जाने के बाद श्राइन बोर्ड सुनिश्चित करेगा कि पूजा 72 घंटे के भीतर हो और प्रसाद स्पीड पोस्ट के माध्यम से श्रद्धालु के घर भेज दिया जाए। मत वालों को ये माता का प्रसाद लेने का मौका मिलता है और सरकार ने बहुत ही अच्छा रूल बनाया है कि प्रसाद सबके घर पे पहुंचेगा, किसी को मतलब जो नहीं आ सकते उनके लिए भी प्रसाद घर पर पहुंच सकता है। ये श्राइन बोर्ड ने बहुत अच्छा स्टेप निकाला हुआ है जी, तो हम चाहते हैं माता वैष्णो का प्रसाद, अगर हम दर्शन करने नहीं आ पा जाए तो घर घर में प्रसाद आपको मिल जाएगा। इसमें 1100 रुपया और 2100 रुपया यहाँ पे रखी है इन्होंने अपनी मर्जी, खुश मर्जी से। जैसे 6 महीने से हम घर में बैठे हैं, वैष्णो देवी दर्शन नहीं कर पाए हैं, तो ऑनलाइन सिस्टम रखा है, हम घर में से दर्शन कर सकते हैं, मगर प्रसाद जो है इन्होंने घर घर पहुँचाने का। वैष्णो देवी तीर्थ का प्रबंधन करने वाले श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने देश भर में भक्तों तक माता का प्रसाद पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी शुरू कर दी है। कोरोना वायरस महामारी के कारण मंदिर करीब 5 महीने बंद रहा, जिसके बाद मंदिर 16 अगस्त को खोला गया, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए सख्त नियम के चलते श्रद्धालुओं का आना भी कम है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।